स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को, स्टडी को, और अच्छे से अपना घर पे, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर आपका सभी का वेलकम करता हूँ। मैं यहाँ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु तेजेंद्र, यहाँ पर आपको स्पेशल वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सोशल स्टडी या सोशल साइंस का लेक्चर कह लीजिए, या फिर जनरल स्टडी का क्वेश्चन कह लीजिए, इसे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान लेक्चर वन के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ज्योग्राफी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी का ये बेसिक है, और इसमें हम लोग यहाँ पर जो ज्योग्राफी की जो आपकी ABCD है, ठीक है, कह सकते हैं, और वहां से शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक हो गए, ये हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, आपका चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे आपका BO हो, चाहे आपका SSC हो, यहाँ पर आपका जितने भी एग्जाम जो होते हैं आपके, उन सभी का एक कह सकते हैं निचोड़ है आपका, और सभी को जोड़ के आपके ले लेकर आए हैं, है ना। तो मैंने प्रयास किया है मैक्सिमम आपसे कंटेंट का तैयार करने के, क्या आपके मैं यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। जो पहले कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, यदि इस बीच में कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग आगे का यहाँ पे लेक्चर आज का, और ये आपका बेसिक लेक्चर से लेकर आपका फाइनल तक जाएगा। आपका जो भी स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं सभी में आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको चाहे टेट का टीचर कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका क्या हो, कोई भी यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस या फिर आपका SSC या बिहार पुलिस, कुछ भी हो, एवरीथिंग इसमें कवर हो जा होगा आपका, तो बेस्ट आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मेरे थोड़े से अपने बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं ऑलरेडी एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटीज में आपको टीच कर चुका हूँ, आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे चुका हूँ, और एजुकेशन में भी कोई डाउट नहीं, तो एजुकेशन में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका हूँ। तो उसके बाद ही मैंने आपके यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर बनाने का प्रयास किया है। चलिए आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे, ज्योग्राफी में बात करें, भूगोल में, और भूगोल में आप देख रहे हो यहाँ पर भूगोल शब्द का यदि जन्म की बात करें, तो भूगोल शब्द यहाँ पर जो बना है ये ज्योग्राफी से बना है। कहाँ से बना है? भूगोल शब्द ज्योग्राफी से बना है इंग्लिश में, और इसे ज्योग्राफी शब्द को यदि इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो जियोग्राफी से जानते हैं। कैसे जानते हैं? जियो जियो का अर्थ जो यदि बात करें यहाँ पर, जियो का मतलब होता है यहाँ पर पृथ्वी, क्या कहते हैं इसे, पृथ्वी के रूप में जानते हैं। और ग्राफिक का मतलब, ठीक है, ग्राफिक्स का अर्थ होता है वर्णन करना, क्या होता है इसका, वर्णन करना। जियो का अर्थ होता है यहाँ पर पृथ्वी, और ग्राफिक का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, किसी चीज के बारे में बताना। यदि हम इसे बात करें साधारण या सिंपल लैंग्वेज में अपने बारे में, यानी कि जिस विज्ञान की वो शाखा के रूप कहा जा सकता है जिस शाखा में पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के बारे में स्टडी की जाती है ना। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें, यदि ज्योग्राफी इज मेड अप टू अ लैटिन वर्ड जियो एंड ग्राफी। यदि हम लोग हिंदी का यदि नहीं समझ में आया, तो आप जो इंग्लिश वाले हैं मेरे भाई दोस्त, मेरी बहनें और मेरे जो मित्र हैं, सभी के लिए यहाँ पर स्पेशल मैंने बताया है कि यहाँ पर हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ाने वाले हैं आपको, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका, जियोग्राफी, जियो मींस अर्थ एंड ग्राफी मींस टू डिस्क्राइब, एंड दिस द जनरल मीन ऑफ द ग्राफी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ। यानी कि वो साइंस, साइंस विज्ञान के वो भाग, या वो विज्ञान कह सकते हैं साइंस का वो भाग, कि जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि हम बात करें इसमें भूगोल के नामकरण की, है ना, यदि भूगोल के नामकरण की बात करें, इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय जो यूनान के निवासियों को जाता है। किसको जाता है श्रेय? इसको जो सीक्वेंस यदि स्टडी की जा रही है, तो किसके द्वारा की जा रही? यूनान के निवासियों द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई? यूनान के निवासियों के द्वारा, है ना, यूनान के निवासी। आप ये इसमें स्पेशल वर्क करते थे, इन्हीं का स्टडी आगे बढ़ा, और बाद में इसी तरीके से इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो यूनानी थे, ग्रीक स्कॉलर एरेस्टोनीस, ठीक है ना, इन्हें ही इसमें इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल के पिता माह के रूप में इन्हें कॉल किया जाता है, या इन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध यूनानी थे और यूनान से ही बिलोंग करते थे। लेकिन बाद में कुछ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इन्होंने एक ज्योग्राफी बुक लिखी, ठीक है, और ज्योग्राफी ही रोट हिज बुक ज्योग्राफी, एंड इन्हें ज्योग्राफी
जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर आर नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी कि हम आधुनिक भूगोल के यदि बात करें आधुनिक भूगोल के जन्मदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है, अलेक्जेंडर वॉन और हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको। अच्छा, ये जो मैं आपको नोट्स आपको है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, यदि आपने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं अपने कंटेंट का यदि आप यहाँ पर अवेलेबल है तो ऑप्शन। देखिए कुछ यहाँ पर हो सकता है कि किसी वजह से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ना करवाओ तो, लेकिन आप इसके नोट जरूर बनाइएगा ताकि आपको ये हेल्प दे सके। चलिए बात करें यहाँ पर, एक यहाँ पर हेक्टेटियस एक व्यक्ति का नाम आता है, ये भी यहाँ पर हेक्टेटियस, तो हेक्टेटियस को समझना मत भूलिएगा कभी भी। हेक्टेटियस यहाँ पर कौन थे व्यक्ति, उनसे बात कर लेते पहले कि हेक्टेटियस कौन थे। यदि हम यहाँ पर हेक्टेटियस की बात करें, ठीक है, हेक्टेटियस यहाँ पर इन्होंने अपनी सबसे पहली बुक लिखी पेरिडायस, क्या लिखी पेरिडायस, और पेरिडाइस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया, मतलब जितने भी ज्योग्राफी के संबंधित थे और टर्म्स थी कंटेंट था उन टर्म्स को इन्होंने उसमें जोड़ा, कितने भौगोलिक जो टर्म्स थी उनको उसमें जोड़ दिया और अंडरस्टैंडिंग करा दिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर यदि हम एरिस्टोटलीज की बात करते हैं तो ज्योग्राफी का वर्ड का भी प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है, ज्योग्राफी का जियो ग्राफिका, है ना, तो इसका टर्म्स इसलिए हमने यहां पर ज्योग्राफी का वर्ड का किसके लिए यहां पर इन्होंने किसने किया था इरेक्टोस्थनीज, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बुक लिखी थी, तो इरे देख लीजिएगा जैसे आपने पीछे इसमें देखा हिंदी वाले यहां पर आप इसे देख सकते हैं, है ना, इरेक्टोस्थनीज। अपने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद यहां पर यदि स्टडी के रूप में बात करें, इसको इंडिपेंडेंस स्वतंत्र रूप में पढ़ने का श्रेय जब कब से जाता है, यदि इंडिपेंडेंस रूप में स्टडी का श्रेय इसको जाता है 19 ईस्वी से, मतलब 1900 शताब्दी से इसमें हम लोग पूर्वी पूर्ण रूप से कैसे फ्रीली और इंडिपेंडेंस रूप में अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने लगे। इससे पहले क्या होता है, इसको अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, इसको क्या किया जाता था किसी ना किसी सब्जेक्ट के रूप में जोड़ के पढ़ा जाता था। बाद में इसे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 20वीं शताब्दी में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में जाने जाने लगा, क्या कहने जाने लगा, भूगोल और, ठीक है, और पर्यावरण, किसके पर्यावरण के रूप में इसको हम लोग स्टडी करने लगे। अब इसमें यदि हम बात करें, ठीक है, एक वर्ड आता है हम यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्लियर कर दें। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड कॉस्मोस, किसकी बात करें हम, यूनिवर्स, इसे हम लोग ब्रह्मांड कह लीजिए या कॉस्मोस कह लीजिए या यूनिवर्स कह लीजिए। यदि हम यहाँ पर यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स है क्या, अब यूनिवर्स में हम लोग यदि बात करें जितनी भी सारी चीजें आपकी ब्रह्म आकाश में आपको दिखाई देती है, जितनी भी ऊर्जा सम्मिलित है, जितने भी द्रव है, जितने भी यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी ब्रह्मांड में कवर होती है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी पिंड होते हैं हमारे, जितने भी सौर परिवार हैं, उल्काएं हैं, यदि बात करें यहाँ पर हम जितने भी पिंड हैं, ठीक है, उल्काएं हैं, जितने भी उल्काओं की बात करें या फिर कोई भी हमारे आकाश में जो भी एक्टिविटी होती है वे सभी इसी में आती है। इसमें सूर्य, चाहे हमारे, ठीक है, गैलेक्सी का सूर्य हो या चंद्रमा हो, कोई भी किसी का भी, ये सारे इसमें होते हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड मीट्रॉयड होते हैं सब इसी में हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारे ब्रह्मांड होते हैं। अब इसमें हमें बात करें ब्रह्मांड को हम लोग जितने भी विचारधारा के लिए देखा जाए तो ब्रह्मांड के रूप में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है, कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है इसे। और कॉस्मोलॉजी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें यहाँ पर
स्टडी करते हैं, कॉस्मोस को, यानी कि ब्रह्मांड को कहते हैं, जी उस शाखा की ज्योग्राफी की जिसमें हम लोग कॉस्मोस या ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं उसे कॉस्मोसोलॉजी कहते हैं। और कॉस्मोसोलॉजी फिर ऑफ स्टडी दैट ब्रिंग द टुगेदर टू नेचुरल साइंस एंड पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, मतलब यहाँ पर प्राकृतिक साइंस को, प्राकृतिक विज्ञान को, और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर जो आकाशीय एक्टिविटी के जो फिजिकल एक्टिविटी उनको यहाँ पर ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग कराते हैं, है ना। कॉस्मोसोलॉजी इज एन इंपैक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एट द लार्ज, यानी कि वो यहाँ पर हम लोग यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया था खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड होते क्या है भाई? देखो यहाँ पर खगोलीय पिंड के बारे में बात करें भाई, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होती, मतलब जो आकाश में जो ब्रह्मांड में हमें दिखाई देते, जिसमें हमारे सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते जितने भी लाखों पिंड होते हैं, इमिटिंग जो भी थोड़े थोड़े ब्लिंक करते हैं, मतलब यहाँ पर लाइटिंग के साथ में होते हैं ना, स्टार होते हैं हमारे, ब्लिंक करते रहते हैं, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे जितने भी होते हैं इमिटिंग स्टार होते हैं, है ना। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पिंड कहते हैं। अब इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है, मतलब यदि हम बात करें अर्थ की, अर्थ भी हमारी कैसी है, एक सेलेसियल बॉडी है। यदि इसमें लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में, तो आप इसके इंग्लिश वर्जन को आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेलेसियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम, द सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रोइड, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सेलेसियल बॉडीज है, और इसमें जो हमारा सन है, सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के जितने भी हम लोग आस पड़ोस में होते हैं, प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, कॉमेट होते हैं, एस्ट्रोइड, मेट्रोइड, ये सारे सूरज के चार तरफ ही घूमते हैं, इसलिए इसको हम लोग सोलर सिस्टम का लीडर के रूप में जानते हैं। अभी कुछ देखिए, यहाँ पर जो हमारे सेलेसियल बॉडीज होती है, कुछ आकाशीय पिंड बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, वास्तव में ये पिंड गैसों के बने होते हैं, और इनके पास स्वयं की ऊष्मा प्रकाश होता है, और जिसे भी अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य एक तारा। ये ध्यान रखिएगा आप कि लेकिन कुछ आकाशीय पिंड जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। कैसे होते हैं हमारे? बहुत बड़े होते हैं आकाशीय पिंड, और उनका आकार इतना बड़ा होता है कि हमारे सूर्य से भी बड़ा होता है। हमारा जो सन होता है, इस सन से भी बहुत लाखों गुना बड़ा हो सकता है, क्योंकि सन भी हमारा खगोलीय पिंड है, है ना, ये तो आपको सभी को पता है। और इसके अलावा खगोलीय पिंड क्या होते हैं, स्टार भी होते हैं कुछ हमारे, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश और उसमें भी होते हैं, लेकिन खुद के पास नहीं होते। अब जिनके पास अपनी खुद का प्रकाश होता है, लाइट होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। और सूर्य भी क्या हमारा एक स्टार है, तारा, लेकिन जिनके पास अपने सूर्य हीट और लाइट नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्लैनेट कहते हैं, मतलब ग्रह के रूप में जानते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक थोड़ा सा आपको? अब वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लैनेट क्या होते हैं। अच्छा, इसके प्लैनेट के बारे में मैं डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो हम लोग ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ब्रह्मांड के उत्पत्ति कैसे हुई, उसका जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए ब्रह्मांड का जन्म होने के। यदि हम यहाँ पर बात करें ब्रह्मांड का जन्म होने की, तो ब्रह्मांड का यानी हमारे यूनिवर्स के जन्म होने की पीछे की कहानी, यहाँ पर यूनिवर्स के जन्म होने की दो स्टैंड करते हैं यहाँ पर। एक तो जनरल सिद्धांत होता है, सामान्य सिद्धांत होता है इसमें, सामान्य सिद्धांत है, ठीक है। और एक यहाँ पर दूसरा जो सिद्धांत है, महाविस्फोट सिद्धांत है। कौन सा? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं, महाविस्फोट, विस्फोट, महाविस्फोट सिद्धांत और सामान्य सिद्धांत। यहाँ पर हम लोग इसे महाविस्फोट को बिग बैंग थ्योरी के रूप में जानते हैं। आपने सुना भी होगा बिग बैंग। अब बिग बैंग थ्योरी है क्या, अब इसके पीछे जान लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी है क्या। यहाँ पर सामान्य सिद्धांत में क्या होता है भाई, हमारे जो सामान्य सिद्धांत है उसमें यहाँ पर कि नॉर्मल आपने यहाँ पर जैसे बाकी ग्रह होते हैं, बाकी यहाँ पर खगोलीय पिंड होते हैं, वैसे जन्म हुआ इसका। और इसके यदि हम खगोलीयविद की बात करें, तो ये बेल्जियम के खगोलीयविद थे, और पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर। यहाँ पर इस सामान्य सिद्धांत को यदि प्रतिपादित करने का जाता है, तो वो एस्ट्रोनॉमर थे और पादरी थे एब जॉर्ज, एब जॉर्ज लेमेंटर। क्या नाम था उनका? एब जॉर्ज लेमेंटर, है ना। अब इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। बात करें बिग बैंग थ्योरी की, बिग बैंग थ्योरी के पीछे यहाँ पर महाविस्फोट सिद्धांत के यहाँ पर दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए।
यानी कि एक तो यहाँ पर निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब यहाँ पर कि पृथ्वी पे कुछ ना कुछ यहाँ पर जन्म होता गया और कंटिन्यूअस इसके कंटिन्यूटी की वजह से यहाँ पर जन्म हुआ। दूसरा संकुचन विमोचन, मतलब कभी चीजें छोटी हुई कभी चीजें बड़ी हुई, कुछ चीजें जकड़ी गई कुछ चीजें यहाँ पर छोटी होती चली गई कुछ बड़ी होती चली गई। अब इसको यहाँ पर निरंतर सिद्धांत है, इसका हरमैन बॉन्डी है, हरमैन बॉन्डी, और यहाँ पर दूसरे में एलन सैंडर्स, यानी कि जो संकुचन और यहाँ पर विमोचन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए किसने दिया था इसे, एलन सैंडर्स। देखिए यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप उनको समझ सकते हैं, मैंने इतना बताया आपको कि आप उनको नोट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग वापिस प्लैनेट के बारे में। अब जो हम लोग पहले प्लैनेट के बारे में आपको बताया था थोड़ा सा कि वे यहाँ पर, ठीक है, वे खगोलीय पिंड जिनका प्रकाश नहीं होता अपना और ऊष्मा नहीं देते, वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही प्रवर्तित करते और उन्हीं से चमकते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते। मतलब जिन प्लैनेट का या जिन आकाशीय पिंड का, जिन सेलेस्टियल बॉडीज का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे दूसरे के प्रकाश से जगमगाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट विच हैव नो ऑन हीट एंड लाइट, अंग्रेजी में प्लैनेट, यदि प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट ग्रीक भाषा प्लेनटाई शाब्दिक अर्थ चारों ओर घूमने वाला, मतलब इसका यहाँ पर प्लैनेट को क्या कहते हैं भाई, जैसे कि आप भी अपने चक्कर काटते हो, आप किसी मंदिर के चक्कर काटते हो और कभी कभी क्या होते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड का भी चक्कर काटते हो, आप ये मत कहिएगा कि अब ये प्लैनेट बन गया, नहीं ना, वो आपका प्लैनेट नहीं होगा या फिर आपका वो सूरज नहीं होगा कि आप सूरज के चारों तरफ काट रहे हो, वो बात अलग है कि आपको एनर्जी वहां से मिल जाती है काम करने की, तो वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर ठीक है, मतलब चारों तरफ चक्कर काटने वाला, अब आप अपने आप पे मत लेके जाएगा कि भाई मैं तो डेली चक्कर काटता हूँ, स्कूल से कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से स्कूल जाता हूँ और भैया ट्यूशन कोचिंग तक छोड़ने जाता हूँ, भैया वो समय भूल जाओ, हमने भी किया है ऐसे बहुत सारे काम, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा कुछ नहीं मिलता और वो नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो याद आ जाती है कभी कभी चीजें, तो थोड़ा सा फील होता है यार कोई, ठीक है। तो चारों घूमने वाले यहाँ पे प्लैनेट की बात कर रहे थे, यहाँ पर स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यहाँ तक क्लियर हो गया। और किसे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब वो दूसरे के से प्रकाश लेते हैं और खुद चमकते हैं, ठीक है, जैसे आप करते हो, देखते ही चेहरा चमक जाता है, क्या बात है भैया, एकदम लाइटिंग लाइटिंग हो जाती है, आज तो दिन बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, किसके बारे में यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सोलर सिस्टम के बारे में बात कर ले। और सोलर सिस्टम से पहले मैं एक छोटा सा टर्म्स है यहाँ पर बता देता हूँ, मंदाकिनी या गैलेक्सी के बारे में, यहाँ पर मंदाकिनी या गैलेक्सी, उसे समझ लीजिएगा गैलेक्सी क्या होती है, यहाँ पर गैलेक्सी। अब गैलेक्सी या मंदाकिनी की यदि बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारे इसके साथ पृथ्वी के साथ जो जितने भी ग्रह हैं, जो सूर्य है, ये हमारी गैलेक्सी है। मान ले सपोज करो यहाँ पर एक यहाँ पर प्लेट है ना, इस प्लेट में आपके पास यहाँ रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, मिठाई भी रखी है, रसगुल्ले भी रखे हैं, ये आपकी जो प्लेट है ना, इस प्लेट को आप गैलेक्सी समझ लीजिए, है ना, क्या समझना है आपको, गैलेक्सी। और इसमें बड़े बड़े टेस्टी टेस्टी पकवान रखे हैं और यहाँ पर कुछ चमक भी रहे हैं और कुछ डल से हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर इसके चारों तरफ, ठीक है ना, एक स्पेशल बड़ी सी कटोरी रखी है, ठीक है, मट्ठा भर के चाहिए। अब इसमें देखिए सारी चीजें, ये सेलेस्टियल बॉडी जो भी जिनमें है, यहाँ पर जिनमें लिक्विड है सॉलिड है, ये सारी सेलेस्टियल बॉडी बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज आपको पता चल गया ना, मैंने बताया ना आपको, तो यहाँ पर ये जो आपकी थाली, इसे हम लोग गैलेक्सी के रूप में जानते हैं, इतना समझ में आया। अब एक बार और समझ लो, यहाँ पर मैंने आपको यूनिवर्स बताया, अब भैया यहाँ पर ये आप एक बार इसे यहाँ पर इसे यहाँ पर दोबारा से आप इसे क्या समझ लें, अब इसे आपको यूनिवर्स समझिए, क्या है इसमें यूनिवर्स, इसे आप यूनिवर्स समझेंगे, ब्रह्मांड समझेंगे, तो तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये ब्रह्मांड है, अब आपकी थाली नहीं है, क्या है ये, ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड के अंदर आपके यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी गैलेक्सी है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ठीक है, ठीक है, रीना है, ये टीना है, ये मीना है, ये
शीला है, ये एलिस है, ठीक है, ये सारिका है, तो ये सारे क्या है? बहुत सारे यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, गैलेक्सी है ना, सबके नाम याद आ गए, हाँ आपको भी याद आया कुछ, चलो ठीक है। तो ये यहाँ पे की सबकी एक अपनी अपनी दुनिया है। अब इस दुनिया में हमारी भी एक गैलेक्सी है यहाँ पर, जिसमें हमारी पृथ्वी है, सूरज है, हमारे मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये हमारी कई गैलेक्सी। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ आया ना, मतलब एक ब्रह्मांड में, एक यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे है ना, समझ रहे हो ना। अब उसमें से केवल आपको एक ही चूज करना है, एक में रह सकते हो, सब में थोड़ी रह सकते हैं, एक पे टिके रहो और एक पे रहना बेनिफिट है, सोचना समझना ठीक है, बात को दिल से मत लेना, इसे गहराई से समझना ठीक है। चलिए एक सेकंड, तो ऐसे आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि हम जो हमने बताया आपको मंदाकिनी गैलेक्सी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर सोलर सिस्टम आप शायद आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ भी लिया होगा, तो मुझे यहाँ पर बस बताना है सोलर सिस्टम क्या है। मतलब जो सूरज होता है, सूर्य होते हैं, और सूर्य के यहाँ पर चारों तरफ जो भी जितने भी यहाँ पर पिंड होते हैं या ग्रह होते हैं, वो जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, शुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि संयुक्त रूप से सौर मंडल या सौर परिवार कहलाते हैं। सूर्य अपने परिवार का मुखिया कहलाता है, मतलब सूर्य यहाँ पर जो तो लीडर होते हैं, जैसे आपके आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स ठीक है, एक ही मुखिया होगा, या तो मम्मी होगी या पापा होगा, एक ही चलती है ना। अब कुछ घर है भाई सब की, सबके यहाँ पर अलग अलग होती है, जैसे मैं अपने घर की बात करूँ भाई, मेरे घर पे मम्मी की भी चलती है, लेकिन बाहर के जितने डिसीजन ले जाते हैं वो पापा लेते हैं, लेकिन घर के जितने डिसीजन लेते हैं वो मम्मी लेती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो मिलकर लेते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेगा, मुखिया लेगा जो लीडर होगा। अब उसका यहाँ पे सौर परिवार का, सोलर सिस्टम का जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, कमेंट्स करके बताएंगे आप कौन होते हैं, सूर्य है, कौन होते हैं, सूरज है ना। तो ये मुखिया के होने की वजह से होता है। बात करते हैं यहाँ पर आगे। अब इसमें हमारे इस मुखिया के चारों तरफ ही 8 बेटे हैं इसके, पहले 9 बेटे थे, अब उस बेटे ने बेचारे को तड़ी पार कर दिया, क्या कर दिया उसे, तड़ी पार कर दिया, और तड़ी पार करने की वजह से वो बेचारा अलग हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्लूटो, किसकी बात कर रहा हूँ, प्लूटो की बात कर रहा हूँ है ना। अब ये जो तड़ी पार कर दिया, अब इसको हम लोग ग्रह नहीं मानते, इनका बेटा नहीं मानते। अब 8 बेटे कौन थे वे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए, 8 बेटों की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उन 8 बेटों के नाम आप मुझे टाइप करके जल्दी बताइए। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब सूरज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सूर्य क्या है हमारा। यहाँ पर बहुत कुछ मजा आने वाला, आपको एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर, थोड़ा सा लेंदी हो जाए तो थोड़ा सा घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, क्योंकि भाई तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करनी है, आज दिल खोल के पढ़ाना है, मजा आ रहा है, तो लाइक करो शेयर करो अभी है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है बिल्कुल मेरा भाई, ठीक है ना। अच्छा आपका भाई, आपका दोस्त आपको अच्छे से बताने वाला आपका, आप यदि गुरु मानते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वैसे हम लोग गुरु भी है यार, काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, 8-10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो गुरु तो कहलावे कहलावे। वही यदि आप यहाँ पर पहली बार देख रहे हो तो कुछ ना कुछ टाइप जरूर करिएगा, जो भी आपको मजे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सूर्य की बात करने वाले हैं, सन की। तो सूरज क्या होता है भाई, सूरज आपका, अपने सूरज का नाम लिख सकते हो तो लिख दो भाई, ठीक है, आपका सूरज कौन सा, कहाँ से आपको रोशनी मिलती है भाई, हमें तो देखो अब क्या कहें, एक सूरज होता तो बात करते हैं है ना, अपने टाइम पे हमारे अपने अपने अलग अलग सूरज थे, अलग अलग रोशनी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोशनी मिलती रहती थी। चलिए आगे, अब आपके आपका समय, अपने समय को एंजॉय करिए, अच्छे से मजा करिए, ठीक है, लीजिए आराम से जितना हो सकता है, कुछ नहीं बाद में फिर मिलने वाला, एक जगह टिक कर रहो फिर बाद में। चलिए यहाँ पर आते हैं, सूर्य की सन की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट परफेक्टली राउंड शेप बैफल साइंटिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो राउंड शेप में है सूर्य, कैसा है राउंड शेप में, और यहाँ पर इसके जितने भी हो स्लाइटली फ्लैटेंडेड है, मतलब यहाँ पर इसका आकार कैसा है, तस्त्रीनुमा आकार इसका तस्त्रीनुमा है, और परिवार का यानी कि सौर परिवार का ये सबसे बड़ा सदस्य होता है, और पृथ्वी इसके, यदि पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी से लगभग ये 10 लाख गुना बड़ा होता है, और ये गर्म गैसों से बना होता है,
और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारे जितने प्लैनेट होते हैं, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं या फिर जितने भी हमारे इसके सेलेसियल बॉडीज होती है, आकाशीय पिंड हो, तो सबको ये इसी तरीके से बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भाई बाकी जो ग्रह होते हैं वो अपनी कक्षाओं से यहाँ पर निकल के क्यों नहीं जाते, सन के चारों पे क्यों रहते हैं, इसके भागते क्यों नहीं, ये कहाँ जा भी तो सकते, कहीं पृथ्वी कहीं इधर उधर खोदती क्यों नहीं, हम क्यों नहीं खो जाते भैया, ये क्या है, इसमें आकर्षण है, इसमें बहुत ज्यादा आकर्षण है ना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, होता है अट्रैक्शन, जब आपका भी एक जगह अट्रैक्शन होता है ना, आप जाते नहीं कहीं दूसरी जगह, उसी तरीके से इनका प्लेनेट का सबका अट्रैक्शन है यहाँ पर, जितने सारे प्लेनेट है यहाँ पर, चाहे सूरज ठीक है आपका मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, तो सारे प्लेनेट सब इसी के चार तरफ बने रहते हैं, होते हैं ना, कॉलेज में एक स्पेशल सुंदर सी स्मार्ट सी लड़की हो और सारे बच्चों का अट्रैक्शन वहीं पे बना रहता है, उससे एक आध होता है, तो होते हैं एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड की तरीके से इधर उधर चला जाते हैं, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे सारे इसी के चार तरफ घूमते रहेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ साथ में, देखिए भाई इसे दिल से मत लेना, मैं थोड़ा सा फ्रेंक हो रहा हूँ, थोड़ा सा मजे कर रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ बस, लेकिन ये है कि मैं माहौल को लाइट बना के रखना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई को ना एकदम इजीली इजी रखना चाहता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार कहीं आपको मैं ठीक है ना कहीं किसी तरीके से कहीं दूसरे एरिया में ले जा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। आज हम लोग दिल खोल के पढ़ेंगे और दिल खोल के मजे से इंजॉय करेंगे स्टडी को अपनी। अब यदि बात करें यहाँ पर इसका सौरमंडल समस्त ऊर्जा का स्रोत कहा जा सकता है, जितने भी हमारे अपने हमारे जो पृथ्वी है और जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में यहाँ पर सारी ऊर्जा का स्रोत यही है। अब आपने हमने गैलेक्सी का तो जाने, लेकिन आपने यहाँ पर गैलेक्सी का नाम तो नहीं पूछा, अब यहाँ पर मैं गैलेक्सी का नाम भी बता देता हूँ, जो हमारी गैलेक्सी यहाँ पर मिल्की वे के रूप में जाना जाता है उसे आकाशगंगा, क्या क्या जाना जाता है उसे आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है, जो हमारे यहाँ पर ठीक है गैलेक्सी है उसे आकाशगंगा के रूप में जानते हैं, और यहाँ पर इस आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्की वे ठीक है, दुग्ध मेखला, क्या कहते हैं इसे, दुग्ध मेखला, याद रखना हमारी जो गैलेक्सी है उसे दुग्ध मेखला के रूप में जाना जाता है ठीक है, सूर्य के बीच बीच में मुझे क्योंकि याद आया टर्म्स तो मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे नोट करना मत भूलिएगा, आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा है उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला के रूप में जाना जाता है, क्लियर है। और ये कैसी है, स्पिरल है, ये सर्पिला है, स्पिरल जिसको कह सकते हैं यहाँ पर सर्पिलाकार है ये, इसका आकार सर्पिलाकार है, और इसे यदि दुग्ध में आकाशगंगा को देखने का श्रेय किसको जाता है, सबसे पहले गैलीलियो को, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। भाई देखो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आपको ऑन द टाइम आ जा रहा है मैं आपको उसे बता दे रहा हूँ, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पर कि हमारे आकाशगंगा के सबसे पास की जो यहाँ पर ठीक है, सबसे पास की जो नजदीकी यहाँ पर है आकाशगंगा, उसका क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और फिर मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा बाद में, तो यहाँ पर आप जल्दी कमेंट करके बताइए आकाशगंगा कौन सी है जो कि हमारे दुग्ध मेखला के सबसे नजदीक है, नाम बता सकते हैं आप लोग तो बताइए, फिर झटाझट बताइए, मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद आपने यदि बता दिया, तो यहाँ पर मंदाकिनी को हम लोग यहाँ पर देवयानी कहते हैं, क्या कहते हैं, देवयानी, जो हमारे पास की है उसे देवयानी के रूप में जानते हैं, देवयानी, और इसे एंड्रोमेडा के रूप में भी नाम लेते हैं, क्या कहते हैं इसे, एंड्रोमेडा के रूप में जानते हैं। अब दूसरा है कि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो अभी हाल फिलहाल में या फिर नजदीकी टाइम में जो इसके खोज की गई है उस गैलेक्सी का क्या नाम है, न्यूएस्ट गैलेक्सी कौन सी हमारी, न्यूएस्ट गैलेक्सी का नाम बताएंगे आप मुझे, तो मैं बता दूं आपको, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, ड्वार्फ गैलेक्सी, क्या नाम है इसका, ड्वार्फ गैलेक्सी या ड्वार्फ मंदाकिनी,
ये हमारा ड्वार्फ गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी को हम लोग मंदाकिनी के रूप में भी जानते हैं, आकाशगंगा के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ आया ना मैंने क्या किया आपसे। अच्छा दूसरा यहाँ पर एक बात और है कि थी, यहाँ पर सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने दूरी पर है? पृथ्वी से लगभग यदि सूर्य की बात करें 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर प्रकाश की गति, यहाँ पर प्रकाश की यदि बात करें, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है प्रकाश की गति? ये नहीं कि हमारा जो प्रकाश चलता है, लाइट चलती है, तो उसके स्पीड कितनी, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो प्रकाश की गति है वो कितने स्पीड से चलती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है, ये भी क्वेश्चन नोट करिएगा, इसे भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स करके बताइएगा कि ये भी आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो लगभग हमारे यहाँ पर जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो कितने मिनट में पहुंच जाता है? 8 मिनट में पृथ्वी पे लगभग पहुंच जाता है। 8 मिनट क्यों लगभग बताया? क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, यदि सूर्य अक्ष पर पूर्व के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, सूरज यदि बात की जाए तो सूरज कैसे घूमते हैं अपने यहाँ पर? सूर्य अपने यहाँ पर, यदि सन की हम लोग बात करें, सन सन अपने डायरेक्शन में कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। कैसे राउंड करता है, कैसे रिवॉल्व करता है? ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्यूशन इसका ईस्ट टू वेस्ट होता है। और लगभग इसका मध्य भाग 25 दिनों में, यानी कि जो बिट होता है 25 दिनों में, और लगभग ध्रुवीय भाग इसका 35 दिनों में, जो ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग इसका 35 दिनों में रिवॉल्व कर पाता है, चक्कर कर पाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, अंदर यदि सन की बात की जा रही है तो सन का यदि बात की तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। भैया आपका सन किससे बनाया है, कैसे बनाया है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में आराम से चुपचाप, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है सन का, हम लोग जहां से ऊर्जा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो चीजें मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन और हेलियम, है ना। अब इसमें यहाँ पर लगभग 98% इन्हीं का मिश्रण पाया जाता है, जबकि यहाँ पर 2.5% यदि कह सकते हैं 2% के आसपास लगभग बाकी यहाँ पर मिलता है। और इसमें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 71% माना गया, कितना माना गया, 71% माना गया, और हीलियम का इसमें 26.5%, और इसकी बात देखते हैं यहाँ पर 2.5% लगभग बच रहा है, तो 2.5% बाकी इसमें अन्य गैसेस का होता है, अन्य तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आया ना, अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कोई कि भाई सूरज में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से आती है, तो ऊर्जा इसमें हमें हाइड्रोजन और हीलियम के वजह से आती है। आप इसमें ठीक है ना, यहाँ पर लगभग यदि बात करें सन फ्यूज, जितना भी फ्यूजन होता है सन में, फ्यूज जो होती है लगभग 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन रिलीज करता है, और जिसमें कि हीलियम रिलीज होती है 66 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम इच सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसका कैसे कैसे वर्क होता है, क्लियर हुआ ना थोड़ा सा आपको, समझ में आया? यदि समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो अभी, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए अब यहाँ पर प्लैनेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और सूर्य के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको जो चीजें रह गई है वो चीजें माइंड में आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। यहाँ पर प्रकाश मंडल यानी कि दो भाग होते हैं यहाँ पर, यदि देखा जाए तो। अब इसमें इससे पहले हम लोग सूर्य के ईयर की बात कर लेते हैं, सूर्य के यहाँ पर ईयर की या एज की, इसकी एज कितनी है भाई, आपकी एज कितनी है, आपके सूरज की एज कितनी है, अपने सन की एज देखो, जान सकते हो, पता है किस किस को पता है, हाथ रेज करो, आपने कमेंट सेक्शन बताओ। हाँ